नमस्कार दोस्तों, शंकर टाइल मार्बल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि भूसे का माचन कैसे किया जाता है, पाटा कैसे भरा जाता है। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि मैं माचन करता हूं तो माल कटने लगता है, तो माल कैसे नहीं कटेगा वो लोग आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि कैसे माल नहीं कटेगा, कैसे पाटा भरना चाहिए, कैसे माचन करना चाहिए। ये तो भूसा है, आप लोग रेती का करते होंगे और भूसे का कैसे माचन करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले हम पाटा भर लेते हैं। कैसे पाटा भरना है, सबसे पहले इसको बराबर कर लेते हैं। कभी भी पाटा में कम से कम ज्यादा माल रहना चाहिए, नहीं तो आपको माल कटने लगेगा। कैसे पट्टी पकड़ना चाहिए, बहुत मिस्त्री को बोलता है कि पट्टी कैसे पकड़े। सबसे पहले हमको ये धारा है, ये धारा टाइल का धारा मारना, क्योंकि टाइल का धारा मारेंगे तो आपका माल नहीं कटेगा। यहाँ पे आपको पट्टी पकड़ना है, यहाँ आपको ऐसे खींच लेना है, ये हम खींच लेते हैं, ऐसे आपको खींच लेना है। फिर आपको यहाँ पे पट्टी पकड़ना है, यहाँ पे पट्टी पकड़े ऐसे करके आपको खींच लेना है। खींच करके आपको क्या करना है, इधर से आपको थोड़ा ऊंचा रखना है, इधर से आपको थोड़ा ऊंचा रखना है, क्योंकि आप ऊंचा नहीं रखेंगे, इधर से थोड़ा इधर ऊंचा नहीं रखेंगे तो आपका माल कटने लगेगा। तो इधर से हम थोड़ा ऊंचा ही रखेंगे। इसके बाद आप ये देखिए पट्टी हिलता है, पट्टी हिलता है ना, तो आपको क्या करना है, बीच से ऐसे करके ऐसे हिलाना है। ऐसे करके आपको मिला देना है पट्टी को, देखिए ये बराबर हो गया। वो ऐसा ही माचन करना ही मांगता है, नहीं तो क्या होगा कि माचन में माल कटने लगता है। ऐसे दो ज्यादा हो उसको बाहर कर दीजिए। और फिर से एक बार पट्टी चलाइए, इधर से थोड़ा ऊंचा है, और जो भी ज्यादा कम ज्यादा हो उसको निकाल दीजिए, ऐसे थापी से कड़ी से ऐसे आप निकाल देंगे। इसी तरह से ये भी आपको करना है, यहीं पे पट्टी पकड़ना है, उधर से थोड़ा आपको हाथ को उठा करके रखना है ऐसे करके, तो जाकर माल नहीं कटेगा, नहीं तो आपको माल कटने लगेगा। आपको ऐसे करके पूरा माल बराबर पहले कर लेना है कि कम ज्यादा ना हो। इसके बाद फिर से भी ऐसा ही काम करने का, आपको पहले इधर पट्टी पकड़ने का है, इधर पट्टी पकड़े फिर इधर पकड़े, देखिए ये थोड़ा ऊंचा है ना, ऊंचा है तो माल नहीं कटेगा आपको। फिर गिर से पकड़ना है ऐसे करके, आपको खींच देना है, ऊंचा रहेगा तो माल नहीं कटेगा दोनों तरफ। और इसे करके आपको एक तरफ उठा के एक तरफ बैठा के आपको काटना है माल। अभी इधर ऊंचा है, देखिए आप इधर ऊंचा है थोड़ा, तो इसको हम काटेंगे। अब बीच से काटेंगे ऐसे, तो बराबर पट्टी देखना, दोनों पाटा पे जो दोनों पाटा है उस पे आपको पट्टी बिल्कुल बैठना चाहिए नीचे तक, अगर ऊपर है तो आपको माल काटना है। पट्टी पकड़ना है, ये भूसे का है तो टाइट हो गया है, तो आपको इसे पट्टी पकड़ना है। अगर ऐसा आप खींचते हैं तो बहुत बराबर माचन होगा। पहले एक तरफ का कभी भी माल काटना चाहिए,
पट्टी जो पकड़ना है वो आपको ऐसे पकड़ना है, इधर से अगर माल कट रहे तो उधर थोड़ा उठा के रखना है ऐसे, नहीं तो आपका माल भी दोनों तरफ का कटने लगेगा। आपको टैल काट कोना कर लेना है, इसके बाद ये वाला जो है इसको एक आप और बैठा करके चेक कर लेने के लिए, मेरा काट कोना इधर उधर तो नहीं भागता। उसके बाद पहला कैसा टाइल लगाना है वो भी मैं दिखाऊंगा, वो इसके लिए टाइल मेरा काट कोना में हो चुका है। उसके बाद मैं लगाने जा रहा हूँ, तो आपको दो टाइल लगाएंगे तो बराबर से ये काटकोना में जाएगा। पहले घोल पानी ना उतना पतला ना उतना मोटा देना है। और ये पहला टाइल ये देखिए ये लेवल में है, तो इसी लेवल में हमको ठोकना है, बहुत से बहुत 1 mm उठाना है। हम टाइल ठोक के दिखाते हैं कि हमारा टाइल का साउंड कैसा आना चाहिए। आप लोग टाइल जब भी ठोकते हो तो बहुत से मिस्त्री को कैसा साउंड मालूम चलता है कि मेरा साउंड कैसा होता है, वो ठोकने से पता चलता है। और जैसे आप ठोकेंगे तो लगेगा कि नीचे से खट खट का आवाज़ आ रहा है, तो वैसे आप टाइल ठोकेंगे तब भी मालूम चलेगा कि मेरा टाइल पोकल नहीं रहेगा। और बहुत मिस्त्री को टाइल क्या होता है, ढब 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 अगर ठोकेगा ढब ढब करके उठेगा, तो ढब ढब उठता है तो टाइल पोकल रहे या ना रहे, लेकिन ढब ढब करता है तो बहुत बोलता है ये तुम्हारा टाइल पोकल है। तो कम से कम साउंड को पहचानिए कि मेरा टाइल का साउंड कैसे आना चाहिए। माई ठो जो काम कर रहे हैं वो काम के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए ना, कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरा काम क्यों गलत हो रहा है। तो हमेशा हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आप लोग अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करेंगे तो बहुत मिस्त्री बहुत जगह पे बुलाएगा मिस्त्री को, और काम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और काम अच्छा करके देंगे कि तो आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो इस तरह से आप काम सीखिए। और मैं पूरे वीडियो में हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको जानकारी देने वाला बात किया हूँ, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते हैं तब जानकारी मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को जानकारी नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ गए कि मैं क्या बोला और कैसे ठोकना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो तो हमारे कमेंट में जरूर लिखिए कि हमको ये प्रॉब्लम है। होल पैसे और दो टारगेट लेके चलना है कि हमको इतना ठोक लेना है। ये देख लीजिए मेरा पूरा ये होल पैसे भी हो चुका है। उसके बाद मैं किचन का माचन करूंगा और इसको ठोकेंगे, उसके बाद मेरा छुट्टी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टारगेट लेना है। और लेन से पहले आप ये जो ठोक देंगे तो आपको ऊपर नीचे बहुत कम दिखाई देगा, टाइल में औठा बहुत कम होगा, क्योंकि हम खान लेंस के साम टाइम हम इसको 1 घंटे का रेस्ट देते हैं तो हमारा टाइल में बहुत औठा कम होता है। इसके लिए आप लोगों को बताता हूँ कि टाइल पे नहीं चढ़ने का।